हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू निशाज वर्ल्ड। मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट डेज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल से मैं एकदम परफेक्टली ऑल राइट हूँ। तो कल ही मैंने सोच लिया था कि मैं आज वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, एक नहीं दो वीडियो आज मैं शूट करूँगी। तो मैंने आज की रेसिपी के लिए जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं कीमा और मटर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है और 200 ग्राम मैंने मटर ली है और तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 10 के करीब पेपरकॉर्न लिए हैं, 2 मैंने लौंग लिए हैं, 2 काली इलायची ली है मोटी और 5 मैंने हरी इलायची ली हैं, 4 तेजपात के पत्ते लिए हैं और ज़ीरा साबित लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। 2 बड़ी प्याज मैंने 2 बारीक काट ली हैं। यहाँ पर मैंने 6 हरी मिर्च ली हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया। 1 मैंने बड़ा टमाटर लिया है जिसको मैंने फुल चॉप कर लिया, इसके सीड्स नहीं निकाले मैंने। और मैंने 10 लहसुन लिए हैं जिसको मैंने चॉप करा और मैंने अदरक को भी चॉप कर लिया। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जस्ट फॉर कलर के लिए, और गार्निश के लिए यहाँ पर हरा धनिया लिया है और पानी लिया है इसको गलाने के लिए। इसको कहते हैं कीमा, कटे मसाले का मटर कीमा। ये मेरी आज डिश है जिसका नाम है कटे मसाले का मटर कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तेल यहाँ पर ये वाला 2 चम्मच मैंने तेल लिया है और सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, सारा गरम मसाला एक साथ डाल देंगे। थोड़ा सा ये पॉपअप होगा, यस। उसके साथ हम ये प्याज डाल देंगे। मैंने तेल पहले ही गरम करके रखा था इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको गरम मसाले को भुनने में। प्याज इसमें अच्छी ब्राउन होनी चाहिए, प्याज थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो गई है तभी हम इसमें पहले लहसुन डालेंगे, इसको इसके साथ भूनेंगे। यस, लहसुन भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा भून रहा है। इसी समय हम अदरक भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। यस, इतना ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड कर देते हैं। कीमा को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया और मैंने किसी से सुना था हलवाई से कि जब नॉनवेज को थोड़ी देर के लिए 1/2-1 घंटे के लिए पानी में डाल के रखना चाहिए तो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं 1/2 घंटा पानी में डाल के रखती हूँ और उसके बाद वो पानी फेंक देती हूँ और फिर मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ और उसमें कीमे को 10 मिनट के लिए मैंने भिगोया। हर एक जो भी मेरी चिकन होता है या मटन होता है मैं उसको उसमें भिगो के रखती हूँ 10 मिनट और फिर मैं इस छन्नी में डाल के उसको सारा जो पानी होता है वो निकाल देती हूँ। यस, यहाँ पर मैंने मटर को बॉईल करके रख लिया। जैसा मैंने आपको बताया था मैं मटर जब भी यूज़ करती हूँ बॉईल करके रखती हूँ। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्वाद के लिए हम नमक डालेंगे, अदरक हम ये जो मटर है वो ऑलरेडी उबली हुई है तो इस समय हम मटर को ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसको गलाएंगे। जो ये पानी है इसी में पहले हम इसको ढककर
कुक करेंगे ताकि पानी इसके साथ जज्ब हो जाए और सूख जाए, फिर उसके बाद हम पानी ऐड ऑन करेंगे। यस, खोल के देखते हैं। यस, कीमे का पानी एकदम सूख गया है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि कीमा गल जाए, और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और बटर हम बाद में डालेंगे जब पानी सूखने से 2 मिनट पहले हम मटर डालेंगे, क्योंकि मटर ऑलरेडी गल चुकी है। यस फ्रेंड्स, खोल के देखते हैं। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। मैंने मटर डाल दी थी थोड़ी देर के बाद, जैसे ही पानी सूखने लगा था तो मैंने मटर डाल दी थी। अब ये देखिए, कीमा और मटर एकदम रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम टेस्ट करके पकाएंगे। यस, भुन गया है। मेरे और मेरे हस्बैंड को ऐसे कटे मसाले का कीमा मटर अच्छा लगता है। यस, स्विच ऑफ द फ्लेम, कीमा इज रेडी। मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा तेल बच जाएगा उसको आप निकाल के एक कटोरी में रख लें और नेक्स्ट जो भी आप सब्जी बनाएं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। वाओ, यस फ्रेंड्स, मटर कीमा एकदम रेडी है। बनाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी का। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।